गाइस सब देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक गुप्ता, साइन अप ऑटो वाले अंकल चैनल। सबको मालूम है दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अंतिम द फाइनल, जो कि डेट क्लियर हो चुका है और दिवाली दशहरा बहुत से ऐसे नाम लिए, लेकिन सब कुछ ख़त्म। अब जो है 26 नवंबर को जो है पूरा तैयारी के साथ में सलमान खान उतरने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों हमेशा जो है सत्यमेव जयते, जो जॉन इब्राहिम की मूवी है, हमेशा जो है हर एक मूवी जो है सलमान खान जब भी आते हैं ईद पे या कोई भी दिन, तो जॉन इब्राहिम हमेशा जो है उनके सामने आने की ठान लेते हैं। और ये टाइम जो है उन्होंने ठान लिया है अंतिम द फाइनल पे जो है 26 नवंबर को जो है सत्यमेव जयते 2 जो है, जिसमें डबल रोल में जॉन इब्राहिम हैं। पहली सत्यमेव जयते अच्छी चली थी, ये भी जो है हो सकती है अच्छी चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्रेज की बात क्या है कि सब लोग चाहता है कि सब लोग, चाहे किसी की भी मूवी हो दोस्तों, ये कोई भी यही चाहता है कि सलमान खान की मूवी सामने लगे और मेरी मूवी लगे। अगर उनकी मूवी फालतू भी रहेगी तो भी सलमान खान के नाम पे थिएटर पे आते हैं सब, और उनके वजह से सामने वाले जो मूवी है, कोई भी मूवी लगी हो, उस मूवी को भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि पब्लिक आती है तो एक दो शो ज़रूर देखती है। तो दोस्तों जॉन इब्राहिम की मूवी जो है सत्यमेव जयते को जो है कम से कम सलमान खान की मूवी जो है 26 नवंबर को आने की वजह से इन्हें भी 20% का वजन ज़्यादा बढ़ गया, और जो है पब्लिक इनके मूवी में भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो 20% जो वजन बढ़ चुका है सलमान खान की वजह से, तो आएंगी बहुत दिनों के बाद जो है थिएटर पे आ रहे हैं पब्लिक, और जो है दो दो तीन दिन मूवी देखेगी, तो इनकी मूवी भी सब लोग पब्लिक देख के जाएगी। तो दोस्तों सलमान खान का इतना बड़ा क्रेज है कि हमेशा जो है पब्लिक को बॉक्स ऑफिस थिएटर जो भी है कलेक्शन करने में जो है भरमार है, और जो है अंतिम द फाइनल और सत्यमेव जयते ये मूवी जो है 26 नवंबर को नज़ारा कुछ बहुत खतरनाक होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ऐसे ही खतरनाक नज़ारा लगान और गदर के टाइम मिला था, अब जो है अंतिम द फाइनल और सत्यमेव जयते में मिलेगा, और पब्लिक आएगी भरमार देखेगी और इन्जॉयमेंट करेगी, मज़ा आएगा देखने में भी और रिव्यू देने में भी। तो दोस्तों सब कुछ दांव जो है अंतिम द फाइनल जो है सलमान खान के ऊपर निर्भर है, तो तैयार है 26 नवंबर को आने के लिए। बस दोस्तों इतना ही, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द थिएटर पे आए और थिएटर पे पब्लिक आए, और पब्लिक को लाने की क्षमता किस में है? सलमान खान में। टाइगर दबंग जो भी बोलो कम है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा, चाहे जो भी हो, अगर 4-5 मूवी और रहती थी, हर साल में 2-3 मूवी सलमान खान की आती, तो कभी भी थिएटर वाले निराश नहीं होते। लेकिन चलो दे रहा है दुरुस्त, एक मूवी आएगी कोई बात नहीं। तो सलमान खान कम इज़ बैक 26 नवंबर, मज़ा आएगा, धमाल आएगा, कमाल होगा, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन होगा। दोस्तों बस इतना ही, बस मैं यही चाहूँगा, ऑटो वाले अंकल चैनल साथ बने रहें, और जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और वो घंटी ज़रूर बजा दो। क्यों मालूम है? क्योंकि जब भी आपको मैं वीडियो डालूँगा आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने वीडियो डाला, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, और नमस्कार, जय हिंद।